बायोटिक का मॉइस्चराइज़र ट्राई कर सकते हैं काफ़ी जाना पहचाना ब्रांड है बायोटिक के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो काफ़ी नेचुरल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है इससे तो आज मैं आपके साथ बायोटिक का मॉइस्चराइज़र जो है उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एंड इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है किस तरह से ये हमारे स्किन पर वर्क करता है तो आज की इस वीडियो में मैं सारा डिटेल से आपको बताने वाली हूँ तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड uh, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो स्क्रीन पे आपको आईडी दिख रही है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एक बार जाके वहाँ पे भी मुझे चेकआउट कीजिएगा और पसंद आए ना तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा एंड मेरे फेसबुक पेज का भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी प्लीज वहां पे भी जाके मुझे फॉलो कीजिए तो चलिए आज के इस रिव्यू को स्टार्ट कर ले सबसे पहले हम इसकी पैकेजिंग के बारे में बात करेंगे तो इसकी जो पैकेजिंग है ना वो ग्रीन एंड व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं तो बायोटेक के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं सबकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से ही होती है एंड uh, इस पर लिखा है बायोटिक एडवांस्ड आयुर्वेदा मॉर्निंग नेक्टर विजुअली फ्लॉलेस स्किन मॉइस्चराइजर फॉर ऑल स्किन टाइप एंड आयुर्वेदिक रेसिपी हंड्रेड परसेंट बायोटेक्निकल एक्सट्रैक्ट एंड इसकी जो प्राइस है वो है वन नाइनटी नाइन रुपीज एंड इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो है थ्री इयर्स की इसके पीछे में ही इसे कैसे अप्लाई किया जाता है वो मेंशन है और इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारा कुछ इसके पीछे मेंशन किया गया है तो हम सभी जानते हैं बायोटिक के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ना सारे ऑल स्किन टाइप होते हैं चाहे वो ड्राई स्किन हो कॉम्बिनेशन स्किन हो या फिर ऑयली स्किन हो कोई भी स्किन टाइप वाले लोग इसे इजिली अप्लाई कर सकते हैं एंड बायोटिक जो ब्रांड है ना वो एडवांस आयुर्वेदा ब्रांड है बायोटिक के जो भी प्रोडक्ट होता है ना हम कह सकते हैं कि इसमें किसी भी तरह का कोई मिलावट नहीं होता और एक

पता चलने लगती है कि हां ठीक है यहां एक लाइन ड्रॉ हो गया है तो अगर आप मॉइस्चराइजर विंटर में अप्लाई नहीं करेंगे ना तो आपकी स्किन जो है वो एकदम बेजान रूखी सी हो जाती है तो ये उन सारी प्रॉब्लम को ना धीरे धीरे ठीक करती है एंड को ना एकदम फ्लॉलेस बनाती है अंदर से ग्लोई बनाती है और सॉफ्ट मेन्सन है कि हमारे स्किन को ना लाइट करता है ग्लोई बनाता है हमारे स्किन को फ्लॉलेस बनाता है और ये हंड्रेड परसेंट आयुर्वेदिक रेसिपी है जो एकदम सही है अगर आप इसको ट्राई करेंगे ना तो आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और विंटर में इसका जो टेक्सचर वो थोड़ा सा ठीक है तो आप जब अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगेगा चिप सा नहीं लगेगा काफी अच्छा लगेगा अगर ड्राई स्किन है ना तो आप डेफिनेटली एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं वन ट्वेंटी का प्रोडक्ट क्वांटिटी है और आप चाहे तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन परचेज करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा और ऑफलाइन आपको ये ईजिली मार्केट में मिल जाएगा जानेंगे कि इसको आ, कैसे यूज करना है तो इसको आप मॉर्निंग या फिर नाइट टू टाइम्स आप यूज कर सकते हैं आपको नॉर्मली फेस वॉश करना है एंड देन आप इसका एक कोई फेस सिरम आता है इस पर लिखा है कि फेस सिरम के बाद ही आपको इसको अप्लाई करना है बट मैं इसको डायरेक्टली भी अप्लाई करती हूँ एंड काफ़ी अच्छा है तो मैं इसको आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ तो देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से ओपन होता है सी एंड uh, इसका टेक्सचर जो है काफ़ी ज़्यादा थिक है तो समर में आई थिंक ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा बट अगर विंटर के लिए आप कुछ अच्छा सा सर्च कर रहे हैं ना तो आप एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिए एंड ड्राई स्किन वालों के लिए तो एकदम बेस्ट होगा देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ले ली है और इसको हम इस तरह से अप्लाई कर लेंगे तो मेरे फेस पे यहाँ पर मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है लिपस्टिक मैंने यहाँ पे अप्लाई किए है।, है वो काफी ज़्यादा अच्छा है मतलब बहुत अच्छा लग रहा है एंड uh, देख सकते हैं जेंटली यहाँ पे हल्का सा ही हम अप्लाई कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से हमारे स्किन पर ऑब्जर्व हो गया है थोड़ी सी थी इसकी कंसिस्टेंसी है बट काफी अच्छा है एंड फेस uh, के साथ साथ आपको नेक एंड ईयर्स एंड अपने हाथों पर भी जरूर अप्लाई कीजिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं अपने फेस के साथ साथ अपने हाथों पर भी अप्लाई करती हूँ इससे हमारा जो इस फेस एंड हाथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं देख सकते हैं और बहुत ही एकदम सॉफ्ट सा लग रहा है बहुत ही अच्छा फील हो रहा है सी एंड यहाँ देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट लग रहा है इसको मैंने अप्लाई कर लिए है और अगर आप इसको अप्लाई करने के बाद ना अगर आप मेकअप करेंगे ना तो आपका जो मेकअप है वो और भी ज़्यादा ग्लोई दिखेगा बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग सा दिखेगा क्योंकि आपका जो स्किन है इसको अप्लाई करने के बाद कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाता है एंड देन जब आप उसके ऊपर फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करते हैं या फिर मेकअप करते हैं ना तो आपका जो मेकअप है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है एकदम ग्लोई टाइप का आपका मेकअप हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा है तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इसको अप्लाई करना और आप इसको नाइका वगैरह पे लेंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा तो वन नाइनटी नाइन रुपीज़ है एंड वर्क उस हिसाब से काफ़ी अच्छा करता है विंटर विंटर में ये मेरा फेवरेट है अगर आप इसको, इसको इस्तेमाल करेंगे ना तो आपका फेवरेट बन जाएगा तो काफ़ी अच्छा है ट्राई कर सकते हैं सो या गायज आज के इस वीडियो में बस इतना ही आपको अगर विंटर के लिए कुछ अच्छा सा मॉइस्चराइजर चाहिए तो आप इसको एक बार डेली ट्राई कर सकते हैं और इसको अगर आप मेकअप के पहले भी लगा रहे ना तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट देगा आपको जो भी फाइन लाइन डार्क सर्कल या पिगमेंटेशन वगैरह की प्रॉब्लम हो गई है वो धीरे धीरे ये रिमूव करेगा काफ़ी अच्छा आपके स्किन पे ये वर्क करता है आपकी स्किन को ना ग्लोई बनाता है इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडियंट नहीं है जो कि आपके स्किन को नुकसान पहुंचाएगा हंड्रेड परसेंट आयुर्वेदिक रेसिपी है काफ़ी अच्छा है अगर आपने अभी तक नहीं ट्राई किया ना तो इसको एक बार ट्राई कीजिए आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा सो या गाइज अगर आज का ये रिव्यू आपको पसंद आया हो ना तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं वीडियो देखते हैं बट लाइक देना भूल जाते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए और कैसा लगा आज का ये वीडियो नीचे कॉमेंट्स करके जरूर बताइएगा फिर आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय